बीके न्यूज राष्ट्र के नाम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुप्रभात भारत में। अभी तक हमने आपको बताया कैसे सुविचारों से हमारा नजरिया बदला जा सकता है, कैसे आप सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अब हम आपको भारत के इतिहास की वो रहस्य से भरी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस कहानी के पीछे छुपे राज। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को तो इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही रहस्य हैं 240 पन्नों की एक किताब जिसके बारे में कहा जाता है इसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। इतिहासकारों के मुताबिक ये रहस्यमय किताब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। इस बुक का नाम वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। कहा जाता है इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा सके। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।